लड़की चुलबुली होती है, एक जगह पे खड़ी नहीं रहती, सो ये भी चुलबुली से है, हम भी हिलते रहते हैं सब। सो अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। जो भी दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उन लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे, मैं कहूंगा। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी चीज कि हम एक दूसरे को समझ के अगर काम करें तो किसी के साथ आपको पसंद दुनिया करेगी। और मेरे साथ ही नहीं, इनके अदर भी एक्टरों के साथ इनकी फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई है। आप दोनों को जब टीवी पे या ऑनलाइन जब न्यूज़ चलता है तो सबसे ज्यादा लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है। इसलिए हम कह रहे कि हम दोनों के कैसे स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली इसलिए हम बहुत चुलबुले से हैं और कौन राशि है आपका? राशि कुंभ है ना, मिथुन है, हमारा मिथुन नहीं, हमारा चक्रवर्ती है। खेसारी को के आता है और काजल को भी के आता है, सब के ही समझेंगे। इनका मिथुन है, हमारा चक्रवर्ती है। तो आप शत्रुघ्न है ना? हाँ यही तो फिर शत्रुघ्न लिखिए ना। खेसारी की बात करिए ना, दोनों की कुंडली जो है ना कहीं मिलती है और हमारी आत्मा मिलती है इनसे। सिर्फ हम लोग का ब्लड नहीं मिलता है, ये गुजरात से है और मैं बिहार से हूँ, तो पानी जो है इंसान हो ना, इंसान है, काहे खिसी आ रही है। तो ये चीजें हैं। और जहाँ तक काजल जी का सवाल है, तो काजल जी कंपटीशन, मैं इनसे कितने बार बोला कि सच में आज बहुत कंपटीशन है, तो इनकी जो बातें मुझे आज अच्छी लगी, जिन्होंने बोला कि मैं कंपटीशन में कहीं से हूँ ही नहीं। कंपटीशन उससे होता है जो स्ट्रगल करता है, लेकिन आज हर आदमी ने मुझे प्यार किया है, उस लायक बनाया है कि मैं कंपटीशन में नहीं, मैं अकेला दौड़ती हूँ। और हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए कि उसको अकेला ही दौड़ना चाहिए। वो आगे पीछे देखकर दौड़ेगा तो शायद अपने मंजिल को भूल जाएगा और अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। और अच्छा लगा। और ये फिल्म हमारे अरविंद जी इसके निर्माता हैं, और अभी मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। ये हैं अरविंद जी, ये मेरे भाई हैं, मेरे गाँव से हैं, गाँव के बगल के हैं, 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर दूर हमारा स्टेशन, इनका स्टेशन एक ही जगह है। तो हम जब भी ट्रेन से पहले जाते थे, मालगाड़ी से नहीं ना, पहले हम लोग जाते थे ट्रेन से, लोकल ट्रेन में, तो हम इनके ही स्टेशन से उतर के अपने घर पे पैदल जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन और इन कम चलती थी। छोटा स्टेशन है ना हमारा गांव। सर को पूछते हैं, सर आपको कैसा लग रहा है, आपकी फिल्म अभी शूट होने जा रही है? बहुत खुशी हो रही है कि दो भाई हम लोग एक ही जगह के हैं। इन्होंने अपने बदौलत अपनी जो पहचान बनाई है, और मैं जो सुना करता था, आज साथ में काम करने का जो मौका मिला है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा घर, मेरा भाई इतने बड़ा आज करोड़ों के ऊपर की बजट की फिल्में बना रहा है। तो ये चीज़ें शायद पर्दे पे आएगी, तो हम दोनों की एक किस्मत है जो लगी हुई है। और मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मधुकर भैया, तो आप लोग उनसे भी चलिए सबको का बहुत बहुत प्रणाम, बड़ लोग के प्रणाम, छोट लोग के आशीर्वाद। काफ़ी साल बाद, मैंने हमारा लगा था कि 5-6 साल हमने के गैप हो गई, गैप 4 साल, हाँ 4 साल गैप हम लोगों का हुआ था। इसके बाद बड़ा बुलंदी से हम लोग आए हैं, और खेसारी जी के साथ मिल के ऐसा लग रहा है, इतना कंपोज में भी ये मदद करते हैं, जितने भी गाने हम लोग बना रहे हैं सब मिलजुल के ही बना रहे हैं। कोशिश करते हैं हर पिक्चर में, हम चाहेंगे कि बढ़िया गाना बने। अच्छा गाना नहीं चाहेंगे कि लीक हो जा रहा है आजकल गाना। नहीं नहीं, उसका शूटिंग शुरू हो जाएगा, रिलीज होने वाला है। चलिए धन्यवाद आप सब मीडिया ग्रुप का। धन्यवाद। सवाल है लास्ट, अभी आपने कहा कि शहरों के जो बच्चे हैं खराब होते जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण लग रहा है कि आपको जो बच्चे खराब होते जा रहे हैं? देखिए आज बच्चे खराब नहीं हो रहे हैं, वो मॉडल के हिसाब से हम लोगों को जो संस्कार मिला था, हम मिट्टी जिस मिट्टी से आए हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ हमें काम के लिए प्रेशर दिया, लेकिन हम आज अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेशर, उनको टाइम नहीं मिलता है, और हम अपने बच्चों पे इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि शायद कोई भी गार्जियन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है। तो हम उसको टाइम देंगे, हमारे गार्जियन के पास टाइम था तो हमें वो सिखाते थे जी बेटा ये कल्चर है, वो कल्चर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज हमारे अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ बताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं गार्जियन भी उस चीज़ का दोषी है,
जो हम अपने बच्चों को 8 बजे स्कूल जाते हैं, 12-2 बजे तक आते हैं, हम लोग अपने घर से 8 बजे निकल जाते हैं, हम रात में 2 बजे पहुंचते हैं, तब जब बच्चे सो जाते हैं तो हम अपनी संस्कार और अपनी प्रथा को बताने के लिए उनके हमारे पास वक्त नहीं है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकें, बता सकें, उसमें वो चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो उसमें दोष सिर्फ बच्चों का नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबका है। जब हम अपने बच्चों को संस्कार भरने के लिए हमारे अंदर टाइम होना चाहिए, और ये एक दिन टाइम देकर नहीं होगा, उसको हर वो चीज़ सिखाना पड़ेगा। जे बेटा हमारे माँ बाप ऐसे सिखाए हैं वैसे किए हैं, तो उसके लिए हमें वक्त देना पड़ेगा। तो ना ही आज बच्चों के पास वक्त है, क्योंकि उनके स्कूल के आने के बाद उनको इतना काम मिल जाता है जो बेचारे उसी में उलझे रहते हैं कि मुझे ये करना है, ये तैयारी करनी है। तो अपने माँ बाप के साथ बैठने के उनको वक्त नहीं है, इसलिए हो सकता है बच्चे कहीं ना कहीं उस संस्कार से मिस हो जाते हैं और अपने पढ़ाई के और अपने करियर के बारे में सोचकर उस चीज़ से लुप्त हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जब आए यहाँ पर तो शायद हमें वो संस्कार वहाँ इसलिए मिली क्योंकि हम गांव में रहे और हर वो बुजुर्ग संस्कार की बातें करता था। आज हर आदमी शहर में अपने काम की बातें करता है, तो संस्कार की बातें ही नहीं होती है, इसलिए शायद आज के बच्चे उससे लुप्त हैं। और हमारे गांव की औरतें छाती के दूध पियाती थी, आजकल डाबा पिला रही हैं तो डाबा हो जाता रहा सा। तो इसलिए थोड़ा सा संस्कार, जब माँ की छाती के दूध लोग पियेंगे तो कहीं ना कहीं माँ की आत्मा उसके अंदर जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो संस्कारिक होगा। बहुत ऐसी कम औरतें हैं जो अपनी छाती की दूध पिलाती हैं, पर्सनैलिटी की वजह से पर्सनालिटी बिगड़ जाती है, उस यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं अपने बच्चों के, तो इसमें मैं बच्चों का बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। तो हम टाइम देंगे तो हमारे बच्चे संस्कारी। लास्ट टाइम आप रो पड़े थे तो पूरे दर्शक कई ट्विटर में या फेसबुक में लगातार आपके लिए रो रहे, वो चिंता थे, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोने का वो मेरा मुँह मिट्टी है और मेरी जमीन है। आप रो पड़े थे इंटरव्यू में बिहार के बाढ़ के लिए, तो पूरे फेसबुक या ट्विटर हो आप, कई दर्शक चिंता हो गए थे, आपके फैन बहुत चिंता हो गए थे। अपने जब तकलीफ में होते हैं तो आंखों से आंसू आ ही जाती है, और कहीं ना कहीं बिहार यूपी की पब्लिक हमारी अपनी है, वो हमारा घर है, हमारा परिवार है। हर वो बुजुर्ग, हर वो बहन, हर वो बेटी, हर वो मेरा भाई, हर वो चाचा चाची भाभी जो भी हैं, सब मेरे अपने हैं, और उस मिट्टी से है, तो उस मिट्टी की खुशबू जब तक मेरे अंदर रहेगी उनके लिए मेरा इमोशन हमेशा बरकरार रहेगा। अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूँ तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के पैसे से खेसारी लाल करोड़पति हो या अरबपति हो, तो अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा वक्त, अगर थोड़ा सा आंसू ही बहा दिया तो उन पर एहसान नहीं किया, वो मेरा इमोशन था, वहाँ मेरा कोई नाटकपन नहीं था, और ना ही मैं नाटकपन करके किसी के दिल में जगह बना सकता हूँ। हकीकत जो चीज़ें होती है, मैं अपने, हो सकता है मेरे माँ बाप उस बाढ़ पीड़ित में हैं, मैं भी उस जगह पे आया हूँ, मैं जगह उस बाढ़ से आया हूँ, तो कहीं ना कहीं उस तकलीफ से गुजरा हूँ मैं, तो मुझे एहसास हुआ, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी एक गरीब परिवार से था, और आज मेरे पास जो भी पैसे हैं, जो भी रुतबा है, जो भी नाम है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगलो है, जो भी है, आज उनके चंदे के पैसे से है। तो मैं अगर उनके लिए कुछ करता हूँ तो मैं उन पर एहसान नहीं कर सकता, वो एहसान नहीं होगा, वो मेरा कर्तव्य है कि वो मेरे से हर उस चीज़ को अपेक्षा रखते हैं, अपने मनोरंजन का अपेक्षा रखते हैं, तो अपने तकलीफ में भी खेसारी को वो चाहेंगे जो खेसारी मेरे तकलीफ में भी खड़ा हो। तो आज उनके चंदे के पैसे से खेसारी ऐस कर सकता है, तो अगर उनके लिए कुछ करता है तो उन पर एहसान नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं रो पड़ा, क्योंकि मेरी गरीबी से ही पहचान बनी है, और मैं लिट्टी चोखा बेचता रहा, मैं भैंस चराता रहा, हर वो चीज़ करता रहा, मैं अपनी जो मेरी रियल ज़िंदगी थी मैंने कभी किसी से छुपाया नहीं, हर इंटरव्यू में मैंने इसको बोला जब मैं था क्या, कि ताकि मेरी पहचान आप सबको पता चले कि हाँ भाई एक गरीब परिवार से ये लड़का गया है, और जिसको चुनकर भेजने वाली हमारी पब्लिक है, जो मुझे बहुत प्यार करती है और आजीवन ऐसे ही प्यार करेगी, जो मेरी होगी प्यार की जीत, जो फिल्म रिलीज हो रही है, इसमें सबको देखने को मिलेगा जो पब्लिक मुझे कितना प्यार करती है, जो कि दशहरा में रिलीज है, तो आप सबका प्यार मुझे मिलेगा, ये मेरा आसान ही विश्वास है, और आप सब ऐसे ही प्यार करते रहिए। और जहाँ तक काजल अगवानी जी की सवाल है, एक हम लोग मूवी किए हैं मेहंदी लगा के रखना, मैं अभी तक इनको एक आर्टिस्ट मानता था, लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस मैं तब जाना जब इन मेहंदी लगा के रखना इन्होंने किया। तो पहले हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे, काम करते थे और ये अपने घर में अपने घर, आज भी वैसा ही होता है, अपने घर हम अपने घर, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए हम लोग जब साथ में बैठते हैं तो कितनी सारी चीज़ें की क्रिएशन करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सीन पढ़ के ये मुझे बताती हैं, जितना मैं जानता हूँ मैं इनको बताता हूँ, तो एक दूसरे को कॉपरेट करके हम लोग जो काम करते हैं, आज के डेट में गुड एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस, और आज के डेट में सबसे हॉट, आज हर यूट्यूब के किंग है ये,
आज यूट्यूब पे इतना व्यूवर्स इनका है, इतनी इंडिया से बाहर भी इतने लोग इनको लाइक किए हैं। तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि आज हिंदी हीरोइन के लेवलों के जिस तरह लाइक आते हैं उस तरह काजल अगवानी की भोजपुरी की हीरोइन का आता है, तो हमारे लिए गर्व की बात है जो हमारा भोजपुरी कहीं किसी से कम नहीं है और ना ही हो सकता है। और इस फिल्म में जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं दुल्हन गंगा पार के, उस फिल्म में मेरी बहन, मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसका नाम है प्रियंका सिंह, जिसने इसमें करीब करीब 5 से 6 गाने गाए हैं और मुझे राखी बांधती है। तो मुझे लगता है जहाँ मैं, हो सकता है जब हम एक माँ बाप से पैदा नहीं हुए तो क्या है, लेकिन हमारा एक रिश्ता जो है वह आजीवन, जब तक मैं रहूँगा मेरी ये बहन बन के रहेगी और ऐसे ही अपने बहन के साथ मैं गाना गाते रहूँगा। और ऐसे ही पब्लिक जिस तरह इसने आज गायकी में जो अपना नाम किया है, मेरा आशीर्वाद है इस मेरे बहन के साथ और आजीवन रहेगा। और ऐसे ही आप लोग मेरे बहन को भी प्यार करते रहिए और इसको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियंका कुछ गलत तो नहीं बोलता हूँ, आ जाओ फोटो ले लो, आ जाओ फोटो, आ जाओ बेटा। हाँ अरे सर, आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ। हाँ ठीक है, अरे चल जाइ रोटी से के। दोबारा गाया था इसको, यही था फाइनल, यही था दोबारा गाया था। कौनो नहीं था, कौनो नहीं था उसमें बेटा, नहीं बेटा दूसरा शब्द गाया था पगला। अरे मत शूट करो भाई, ये शूट मत करो भाई। गरम जवानी के देखी लड़िया।